अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद वहां भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है और आस्था के सैलाब के साथ साथ भक्त अपनी श्रद्धा के मुताबिक रामलला को चढ़ावा भी चढ़ा रहे हैं। राम भक्त चेक और ऑनलाइन से जो डोनेशन दे रहे हैं वो अलग है, लेकिन इन तीन दिनों में राम मंदिर में नगद चढ़ावा ही लगभग 4 करोड़ से ज्यादा का आ चुका है। इस बात की जानकारी बीएचपी प्रवक्ता शरद शर्मा ने दी है। संगठन के लोग थे या हम कहे पदाधिकारी थे, उन्होंने कहा था कि जब ये मंदिर बनने लगेगा तो महालक्ष्मी का वास हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि भगवान विष्णु जी स्वयं जब विराजमान हो गए हैं तो उनके सानिध्य में जो है माँ का वास तो होना ही है। तो आज जो है करोड़ों रुपए की जो धनराशि है वो इसी का आधार है और इसी प्रकार से बढ़ोतरी हो रही है। तीसरा चौथा दिन है, लगभग कितना अमाउंट जो है अभी तक कवर हो चुका है, कितना अमाउंट? देखिए अमाउंट का जहाँ तक है, ऑनलाइन जो देने वाले लोग हैं वो तो सीधे बैंकों में भेज रहे हैं और बैंकों में भेजने के कारण जो है उसकी गिनती तो उन्हीं से प्राप्त होगी, लेकिन जो नगद धनराशि भेज रहे हैं वो कोई दान पात्र में डाल रहा है और कोई जो है आकर रसीदें कटा रहा है। तो रसीद और दान पात्र में दोनों में अंतर है, क्योंकि ऑनलाइन देने वालों का तो आंकड़ा अभी नहीं आया है, लेकिन जो धनराशि इसमें दान पात्र में आ रही उसको प्रतिदिन गिनते हैं बैंक के ही लोग आकर, और बैंकों के लोग जब आते हैं तो उसकी बाकायदे गिनती होने के बाद उसमें अंकित किया जाता है अंकों को। तो इस प्रकार से अभी 2-3 दिनों के अंदर जो है 4 करोड़ के आसपास जो है धनराशि आई है ऐसा बताया जा रहा है।